का स्वर्णिम दिन, और स्वर्णिम दिन पे वो स्वर्णिम जगह हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, और इस स्वर्णिम दिन पे स्वर्णिम जगह पे जो कुछ होना है उसके पीछे एक प्रमुख आर्किटेक्ट के तौर पे इस पूरी परियोजना को जिस प्रकार से चलाया गया, भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी, उनसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है कि हम बात करें आखिरी तैयारियों को लेकर। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने परिश्रम किया उस पर हम लोग आगे भी फिर बात करेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम की बात कर लें, 22 जनवरी को क्या क्या होना है? देखिए, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, ये कार्यक्रम ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं श्री चंपत राय जी, वो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा जो कार्य है और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो निर्माण से संबंधित है, इसलिए मैं तो बहुत सीमित आपको जानकारी दे सकूंगा। इतना अवश्य है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो वह कुछ दूरी पर ही रुकेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है और उन्होंने ऐसा अनुशासन भी अपनाया है कि वहाँ गाड़ी से उतरकर वह कुछ दूर मंदिर तक, जो पूर्वी द्वार है, वहाँ चलेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। इस सब कार्यक्रम में उन्होंने यह निश्चित किया है कि वह किसी प्रकार जूता इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे और मंदिर में जाकर फिर वह गर्भगृह में पहुँचेंगे। वहाँ लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के बाद वो अतिथियों को संबोधित करेंगे और उसी स्थान से वो देश और विदेश में जो लोग देख रहे होंगे कि यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहा है, उन सभी को उसके माध्यम से संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम है, मंदिर परिसर में ही एक कुबेर टीला है। कुबेर टीला यहाँ की सबसे ऊंचाई का स्थान है, वहाँ पर हमारे जटायु श्री स्थापित हो गए हैं, तो वो वहाँ जाकर, वहाँ एक बहुत पुराना शिव मंदिर था जिसे कि हम सब ने फिर से उसको पुनर्जीवित कर दिया है, पुनर्जीवित भवन को। भगवान तो पुनर्जीवित थे ही शिव जी, लेकिन भवन को एक तरीके से पुनर्निर्माण करा करके किया है। तो प्रधानमंत्री जी शिव मंदिर में जाएंगे, वहाँ उपासना के बाद वो पुष्प का अर्पण करेंगे जटायु श्री से। हमारे जो जटायु हैं उनकी एक प्रमुखता यह है कि इस प्रकार उन्हें स्थापित किया गया है कि वो लगातार भगवान रामलला को देख रहे हैं, वो वहाँ से भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाएंगे प्रधानमंत्री जी और उसके बाद कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जो मेरे पास सूचना है वो मैंने आपको बता दी। और ट्रस्ट के मार्फत जो अंदर की मंदिर की तस्वीरें आ रही हैं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत सारे कॉल्स तो हमें भी आते हैं जानने समझने को। मूर्ति की बात करें तो कितना ये चैलेंजिंग टास्क था वैसी मूर्ति का बनाना, जो कि अभी झलक में ही दिख रही है कि कितना रमणीक है वो मूर्ति। बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो कार्य चैलेंजिंग जो था वो मूर्तिकारों के लिए था, और चैलेंजिंग एक तरीके से इसलिए भी था क्योंकि एक तो कंपटीशन होता है वो स्वाभाविक है, 3 मूर्तिकार अगर कंपटीशन करेंगे तो थोड़ा सा सबके मन में यह था कि कौन सी मूर्ति गर्भगृह में जाएगी। मैं यह स्पष्ट कर दूं, पूरी तरीके से आप विश्वास से माने कि तीनों मूर्तियां ट्रस्ट ने ले ली हैं, तीनों को उसी श्रद्धा के साथ उनको रखा जाएगा जैसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बाकी 2 मूर्तियों को भी, जो मूर्तिकार हैं उनको भी सम्मान दे जो भी है वह बराबर दिया जाएगा, तो किसी प्रकार का आपस में भेदभाव नहीं है, लेकिन थोड़ा कंपटीशन तो था ही। लेकिन जो प्रमुख बात थी, जो एक चयन में आप समझें कि एक
रेस में आगे निकलता है तो जो मूर्तिकार योगी राज हैं उनकी जो भगवान की मूर्ति थी, सभी जो ट्रस्ट के सदस्य थे उनकी ये राय थी कि भगवान की इस मूर्ति में सरलता भी है, उनके मर्यादा का भविष्य भी दिखाई देता है, उनको देखने से मन में आराधना जागती है, ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के समक्ष हैं। उनका चेहरा, उनके अजान बाहु, इन सब चीज़ों को देखने पर सभी का निर्णय था कि इस मूर्ति को हमें गर्भगृह में रखना है और प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो सारांश में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार चयन हुआ। अब तो भगवान गर्भगृह में आ चुके हैं। सर, आपकी कार्यशैली को मैं जानता हूँ, बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे आप ध्यान देते हैं। ऐसे में ये कंपटीशन का आइडिया वहीं से आया था कि जो भी विकल्प हो सकते हैं सबको ट्रस्ट के सामने लेके आया जाए। जी, ये जब मूर्तिकारों का चयन हुआ तब ये प्रश्न उठा था कि मूर्तियाँ बनाएंगे तो हम एक ही मूर्तिकार रखें, तीन रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सभी को एक मत से उस समय सभी ने कहा कि हमें हर दृष्टि से एक से अधिक मूर्तिकार रखना चाहिए। एक और विषय था, एक मूर्तिकार कृष्ण शिला पर मूर्ति बनाना चाहते थे। कृष्ण शिला जो है वो श्यामल वर्ण की है। एक दूसरे मूर्तिकार से उन्हें भी इसी प्रकार के कृष्ण शिला पर कार्य करने का अनुभव था और रुचि थी। जो तीसरे मूर्तिकार से वो राजस्थान के थे और उनका कार्य जो है वो मार्बल में, जो मकराना मार्बल वहाँ का फेमस है, तो उन्होंने 25 वर्षों से यह अरमान लगाया था या मन में उनके या सपना था कि जो सबसे अच्छा मकराना मार्बल उन्हें मिला था, जो उनके परिवार का था, उसको उन्होंने सजो के रखा था कि यदि उन्हें अवसर मिलेगा तो राम की मूर्ति बनाएंगे। तो उन्होंने उसी पत्थर को लाकर अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाई। मैं इसलिए विवरण दे रहा हूँ कि एक इस प्रकार सफ़ेद रंग था, दो श्याम वर्ण था, और कुछ लोगों का यह मत था कि उत्तरी भारत में सफ़ेद मूर्ति भगवान की कदाचित ज़्यादा आराधना के योग्य हो, ना कि श्याम वर्ण की। इसलिए दोनों को रखा गया और अंत में तो जो निर्णय हुआ वो आप जानते हैं। आप जैसे जब प्रधानमंत्री दफ्तर में आप थे तब भी हमने देखा था आपकी कार्यशैली में कि पीएम जो चाहते हैं उसको बहुत सटीक तौर पे एग्जीक्यूट करते हैं। मंदिर की जब जिम्मेदारी भवन निर्माण समिति के चेयरमैन के तौर पे दी गई तो जाहिर तौर पे पीएम बहुत सारी चीज़ों को आपसे अपने विजन को लेकर बताए होंगे, वो क्या क्या चीज़ें थी अगर आप शेयर करना चाहें। प्रधानमंत्री जी का सर्वप्रथम तो यह सिद्धांत था, सिद्धांत क्या कहें, कार्यशैली माने या स्वभाव माने, वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे क्योंकि जो न्यायपालिका का निर्णय था उसमें यह व्यवस्था थी कि एक स्वायत्त शासी न्यास बनेगा और उस न्यास के साथ एक निर्माण समिति बनेगी और निर्माण समिति का एक अध्यक्ष होगा जो निर्माण कार्य का विवरण न्यास को समय समय पर देता रहेगा। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी इस व्यवस्था का आदर करते थे और कभी भी उन्होंने इस प्रकार का संकेत नहीं दिया कि वह कैसा निर्माण कार्य चाहते हैं। लेकिन उनके साथ अवसर जब भी मिला, उनका मार्गदर्शन, उनकी राय, क्योंकि वह तो उन स्वभाव से, उन्हें यह एक तरीके से मैं कभी कभी समझता हूँ कि उनका इंट्यूटिव माइंड है,
बस बता सकते थे कि कैसे निर्माण होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब बिल्कुल नक्शा दिखाया गया, जब मैं पहुंचा और जो नक्शा मिला था वो बहुत ही सरल और ग्राउंड फ्लोर पर सीमित था। उस नक्शे में प्रथम तल और द्वितीय तल की व्यवस्था नहीं थी, तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, इसी प्रकार का था। लेकिन कहीं न कहीं सभी के मन में था कि यह भव्य भी होना चाहिए और एक तरीके से अपने में अनोखा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ इस प्रकार की हो कि लोगों को एहसास हो कि यह एक हाईएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, सनातन धर्म का एक उच्चतम, आप यूँ कहें कि एक तरीके से फाइनल रेफरेंस पॉइंट है, आराधना का फाइनल रीच पॉइंट है। तो उनका यह मत था कि थोड़ा इस प्रकार से भवन का आर्किटेक्चर होना चाहिए, तो उसके अनुसार फिर एडजस्टमेंट न्यास ने किया और फिर ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जोड़ा गया और शिखर जोड़ा गया। उस समय हमें अंदाज नहीं था, न्यास को भी नहीं था कि इसमें कितनी धनराशि लगेगी और धनराशि आएगी कहाँ से। निर्णय हो गया। आप देखें, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं बाद में कहता वो अभी कह दूँ कि कुछ इस निर्माण कार्य में एक ऐसा अनुभव हुआ कि सब कुछ डिवाइन मैनर में प्री डिटर्मिंड था, पूर्व निर्धारित था और उसी कल्पना के अनुसार उसकी पूर्ति होती जा रही थी। तो उस समय कोई धनराशि का अवसर नहीं आया। जब आर्किटेक्ट ने धनराशि का कुछ अनुमान लगाया तो धीरे से विस्पर किया कि ये तो लगभग 2000 करोड़ रुपए होंगे। और भी बातें बताई कि इसमें निर्माण में बंसी पहाड़पुर का स्टोन होगा, इसमें मार्बल होगा, ग्रेनाइट होगा, वगैरह वगैरह। तब यह इश्यू उठा और मैं निश्चित रूप से चंपत राय जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ जो हजारों लाखों की सहायक टोली संस्थाओं की थी, स्वायत्त शासी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद के वर्कर, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर्स, लाखों की संख्या में उन्होंने रसीदें प्राप्त की और गांव-गांव गए, लगभग 5 लाख से ऊपर गांव में संपर्क किया और उन्होंने वहाँ के हर व्यक्ति से यह अपील की कि आप निर्माण में हिस्सा करें। परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं, लगभग 3500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो जहाँ हम यह समझ रहे थे कि 2000 करोड़ में कठिनाई आएगी और एक पैसा भी सरकार का नहीं है इसमें, किसी भी सरकार का, केंद्र राज्य कहीं पे भी पैसा नहीं है, तो एक धनराशि आ गई। मैंने इतने विस्तार से आपका समय ले लिया केवल इसलिए कि यह बताना आवश्यक था कि कैसे निर्माण की भूमिका चली, कैसे यह यात्रा चली निर्माण की और कैसे आज ये इतना बृहद भूतल का, केवल भूतल का निर्माण कार्य, जहाँ भगवान गर्भगृह में विराजित हैं, भगवान के गर्भगृह के समक्ष 5 मंडप हैं। तो जो हम लोगों ने 31 दिसंबर 2023 तक प्रथम चरण की घोषणा की थी वह एक तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है कि उसकी पूर्ति होगी। सर, मैंने देखा था कि किस प्रकार से कोविड के दरमियान भी, जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, तब भी आप दिल्ली से यहाँ पे अयोध्या आते थे, मास्क लगाए, उन सारी चीज़ों को, और समझा जा सकता है कि कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहा होगा। एक जो धनराशि की बात, जैसा कि आपने बताई, मैं अयोध्या में घूम रहा हूँ, कल से आया हूँ, मैं कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि किसी चंदादाता का नाम बहुत बड़े चीज़ में कोई होर्डिंग लगाया गया हो, कोई नेम प्लेट लगाया गया हो। ये खास चीज़ ध्यान रखा गया कि वो सब कुछ गोपनीय तरीके से हो।
ये एक तरीके से मैं कहूँगा इस मामले में भी कुछ न कुछ न्यास के भूमिका थी, न्यास को संकेत भी सुझाव भी दिया गया कि चंदा देने वालों में कोई वर्गीकरण नहीं होगा, बड़े धनराशि के चंदा देने वाले या छोटी धनराशि निर्माण कार्य में अपना योगदान देने वाले महानुभाव सभी को एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, हमारा सद्भाव सबके प्रति होगा। इसीलिए जब अतिथि लोगों की सूचना जिनको बुलाया जा रहा है वह आई कि अतिथि की सूची बनाई जानी है, तो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ जो एक तरीके से कार्य करने वाले लोग थे प्रमुख, उन सब ने निर्णय लिया कि हम इस धनराशि के आधार पर नहीं करेंगे, हम देश में कौन बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, देश का गौरव बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सफलता प्राप्त की है, हम सभी को यहाँ पर कला क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिकल कैरियर से, धर्म के हमारे जो बहुत बड़े बड़े धर्म के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे आचरण पर नियंत्रण रखते हैं, जो सनातन धर्म की विवेचना करते हैं और हम समाज कैसे चले इसको एक तरीके से वह अपने आचरण से आज भी देख रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों को बुलाया जाए। बड़ी बात यह है कि सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो जो आपने प्रश्न पूछा ये सही है कि किसी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं बनाया गया है कि जिन्होंने धनराशि अधिक दी हो वो यहाँ पर अधिक स्वागत के पात्र बने। प्रधानमंत्री जी भी ऐसा ही चाहते थे सर? जी, ये तो उनका सदैव से मत रहा था कि यह मंदिर सबका होना चाहिए, इस मंदिर में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का वर्गीकरण ना हो। पिछले 11 दिन में दिख रहा है सर, प्रधानमंत्री जी लगातार उसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, सिर्फ मतलब फलाहार वो अन्नदान करना, इन सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं, बहुत तरीके के दान, गौ पूजा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की क्या आस्था इसको रही है, लोग लेकर रही है कितनी गंभीर, कि तमाम सरकारी कामों में व्यस्तता के बावजूद इन सारी चीज़ों कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज अयोध्या भी दे रहा है। उन्होंने संदेश भेजा था, कि अनुष्ठान अगर प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें हिस्सा लेना है उस कार्यक्रम में तो उसके योग्य बने वो, इसलिए अनुष्ठान का क्या व्यवस्था हो है, मान्यता है, क्या अनुशासन है, उसका वो 100% पालन करना चाहेंगे। और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि कृपया आप लोग यह निर्णय अपने स्तर पे नहीं लें कि चूंकि मैं कार्य में व्यस्त हूँ इसलिए नहीं कर पाऊँगा, वो उन पर छोड़ दिया जाए। हम लोगों को केवल अनुशासन बताना था कि इस प्रकार के अनुष्ठान का अनुशासन है, वह भेज दिया गया था, उन्हें वह क्या कर रहे हैं, किस प्रकार अनुपालन कर रहे हैं, ये तो आप सबने बहुत विवरण में बताया। सर, इस मंदिर की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल किया गया है। जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, जहां आप खड़े हैं अगर आपके कैमरा के लोग दिखाएं तो ये जो पहला निर्माण कार्य आपको दिख रहा है ये परकोटा है, ये परकोटा का ईस्टर्न गेट है जहां से कि श्रद्धालु जाएगा, और परकोटा का जो लंबाई है आप देखें तो ये मंदिर के चारों तरफ लगभग 795 मीटर का इसकी परिधि है जिसमें ये परकोटा होगा। इस परकोटे में जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और जो बाकी मटेरियल है वह मंदिर से ज़्यादा इस पर व्यय हुआ है, 200 करोड़ रुपए ज़्यादा व्यय हुआ है। इसलिए मैं चाहता था कि आप ये दिखाएं कि ये जो परकोटा बना है ये चारों तरफ रहेगा,
और इसके अंदर जहाँ वॉल बाहरी वॉल है तो अंदर उस वॉल पे ब्रॉन्ज के पैनल लगेंगे। उस पैनल में 100 पैनल होंगे। उस पैनल में मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा के आचरण क्या क्या थे और वह किस प्रकार से समाज पर आज भी लागू होते हैं, उस दृष्टि से जो सफल लोग रहे हैं उन व्यक्तियों की, उन कथाओं की, उन लघु कथाओं की परिचय ब्रॉन्ज के म्यूरल में मिलेगा। अंदर जब आप देखें तो आप देख रहे हैं ये मंदिर का जो डोम दिखाई दे रहा है, ये नृत्य मंडप है। ये नृत्य मंडप है, ये पहला मंडप है। जैसे ही आप पूरब से चढ़ते हैं 33 सीढ़ियों से तो आप यहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद दूसरा मंडप रंग मंडप है, यह भी पूरा हो गया है। तीसरा मंडप जो है वो गुरु मंडप है, जिसके दोनों तरफ दाएं और बाएं मंडप जो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, वो प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। इस प्रकार 5 मंडप हैं, और उसके बाद गर्भगृह है। लगभग ये पूरी दूरी जो है लंबाई में 290 फीट की है, और चौड़ाई में इसी प्रकार 310 फीट की चौड़ाई सीढ़ियों को मिलाकर होगी। तो ये मंदिर का आप, हम लोग बाहर खड़े हैं लेकिन आप यहाँ से भी मंदिर का एक तरीके से स्वरूप दिखला सकते हैं। आप लोगों ने तो अपने चैनल पे पूरा कैसा मंदिर लगेगा अंदर से भी दिखलाया है। सबसे जो ऊंचा शिखर है उसके ठीक नीचे रामलला की मूर्ति। जी, शिखर जो है उसके बिल्कुल लगभग नीचे ही मूर्ति है, और ये शिखर तो अभी अस्थाई है। यहाँ 161 फीट ऊंचाई का शिखर जिसपे सोने का काम होगा वो लगेगा यहाँ पे। जब आप 31 दिसंबर 2024 या उसके आसपास आएंगे तो आपको पूरा मंदिर निर्मित मिलेगा। पूरा का मतलब प्रथम स्टोरी और सेकंड स्टोरी। ग्राउंड फ्लोर तो पूरा हो चुका है लेकिन फर्स्ट स्टोरी जिसमें राजा राम होंगे, राजा राम का दरबार होगा, सीता जी भ्राता उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे, वह प्रथम तल पे होगा, और द्वितीय तल पे अनुष्ठान के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो इस प्रकार ये पूरे मंदिर का निर्माण जो है वह होगा। जिसमें आपने अभी शिखर की बात की तो सही है, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, मैं कहीं और चला गया, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, वो ज़रूरी जगह गया आपके मार्फत। टेक्नोलॉजी में यह है, यह अवश्य प्रधानमंत्री जी का योगदान है, सुझाव में, और एक विजन होता है। हम लोग का विजन यह नहीं था कि हम इस टेंपल को हेरिटेज से, अपने पास्ट को फ्यूचर से कैसे जोड़ें। उन्होंने ये कहा कि इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि सूर्य की किरण भगवान के माथे पर आकर रामनवमी के दिन 12 बजे पड़े। तो इस दृष्टि से फिर हम लोगों ने जो केंद्र के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ लेबोरेटरीज हैं जहाँ अध्ययन होता है, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, उनसे संपर्क करके और फिर इसका समाधान निकाला। क्योंकि यहाँ कठिनाई ये थी कि यहाँ पर सूर्य की किरण 12 बजे सीधे नहीं पड़ रही थी, कोई भी हम विंडो भी करते तो वो नहीं पड़ रही थी। इसलिए आवश्यकता यह थी कि हम शिखर में एक एपर्चर बनाएं, उससे सूर्य की किरण को रिसीव करें, और वहाँ पे एक ऐसा गैजेट हो जो उसको रिफ्लेक्ट करके सूर्य को, किरण को माथे पर पहुँचा सके। तो वह सारा कार्य किया गया, और हम सब आशान्वित हैं कि रामनवमी के दिन, आने वाली रामनवमी में, हम सूर्य की किरण 12 बजे दिन में
भगवान के माथे पर पहुंचा सके। क्योंकि आप देश के टॉप लेवल के नौकरशाह रहे हैं, तो ओवरऑल अयोध्या के इकोनॉमिक एस्पेक्ट वाले की बात करें, जैसे ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे डेवलपमेंट और इकोनॉमी से जोड़ देते हैं। वो उन्होंने लगातार कहा है विरासत और विकास एक साथ चलना चाहिए। उन्होंने सांस्कृतिक जो विरासत है उसको अपने कार्यकाल में केवल पुनर्जीवित ही नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो हमारे और आपके मन में भी है कि हम अपने धरोहर के प्रति, हमारे सेंस ऑफ प्राइड है, एक गर्व है, हम उसको अब विस्पर्स में या छिपा कर नहीं, हम पूरी तरीके से उस बात को सामने रखते हैं और उसको आधार बनाकर, उस रूट को मजबूत करके हम एक आधुनिक समाज की कल्पना कर रहे हैं। तो जहाँ तक अयोध्या है, हम सब पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं कि यहाँ की इकोनॉमी आने वाले 2-3 वर्षों में बिल्कुल बदल चुकी होगी। यहाँ का जीवन थोड़ा सा जो कठिनाइयों से गुजरा, क्योंकि बहुत सारी सिविक सुविधाएं भी नहीं थी, वो सब पूर्ण हो जाएंगी और यहाँ की इकॉनमी निर्भर करेगी आने वाले यात्रियों पर, श्रद्धालुओं पर। यदि यहाँ की जनसंख्या 3 लाख है तो 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो फ्लोटिंग होंगे। आज भी आप देख रहे होंगे, आपने चारों तरफ अपनी भ्रमण में देखा होगा, नोट किया होगा और संदेश दिल्ली तक भेजा होगा कि किस प्रकार यहाँ पर लोग राममय हो गए। सर, आपकी बात करें तो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भगवान राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, ये तो सामने जो रामनामा दिख ही रहा है पॉकेट में आपके हनुमान जी प्रतिदिन रहते हैं, आपको कभी ये भरोसा था कि एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में इस प्रकार से बनेगा? कभी भी नहीं। ये मेरे मस्तिष्क में या मेरे व्यवहार में ये चर्चा का विषय ही नहीं था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हो सकेगा। मैंने तो पाराशर जी वो दिन देखे हैं जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया था ये देखने के लिए कि यहाँ पर ढांचा कहाँ है और भगवान कहाँ पर विराजमान है, तो उस डेलीगेशन के साथ मैं आया था। कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही एक माने जाने मुख्यमंत्री थे, उनका प्रमुख सचिव की हैसियत से उन्होंने कहा तुम इनके साथ जाओ। तो जब वहाँ गए तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मन में एक टीस हो गई कि अरे मेरे भगवान इस टेंट में बैठे हुए और यहीं पर वो शीतकाल, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु सबको यहीं पर वो पिछले 40 साल से एक तरीके से सफ़र करना, तो भगवान कभी सफ़र नहीं करते लेकिन उनको अनुभव मिल रहा है। तो वह जब आप दिन देखते हैं और फिर जब इस दिन को देखते हैं जब वो अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे 22 तारीख को, तो मैं नहीं समझता कि इसमें फिर किसी प्रकार के विवाद का स्थान है। कौन चाहेगा इस भारतवर्ष में और सनातन धर्म के लोग कौन चाहेंगे कि भगवान राम, जब उनका मंदिर निर्मित हो गया है, गर्भगृह निर्मित हो गया है, तो उनको किसी अस्थायी व्यवस्था में रखा जाए। स्वाभाविक था कि जब मंदिर भूतल का निर्मित हो गया है तो वहाँ पर भगवान को भी स्थापित करना चाहिए। राम भक्त के तौर पे कुछ लोग जब विवाद करते हैं तो कैसा फील होता है आपको? मेरी दृष्टि से राम के लिए क्या विवाद होगा, भगवान के लिए क्या विवाद होगा? हम मनुष्य लोग विवाद आपस में करते रहे, वह तो एक हास्यास्पद स्थिति है।
भगवान को लेकर के यह विवाद करना कि भगवान किस स्वरूप में, किस प्रकार, किस स्थान पे रहेंगे, ये तो अनावश्यक विवाद है। हमें अपनी श्रद्धा चाहिए, हमें अर्चना और आराधना का अवसर चाहिए और हमारे भगवान को पूरा भारत ही नहीं, हम तो यह आशा करते हैं और विश्वास है कि इस मंदिर के प्रति सभी धर्मों का विश्वास और आदर मन में होगा। यदि उनके मन में आदर की भावना जागती है तो यह पर्याप्त है, यह सनातन धर्म के लिए पर्याप्त है, इस प्रयास के लिए पर्याप्त है और इससे अच्छी हम एक तरीके से अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और क्या व्यक्ति कर सकते हैं। ये तो असीम श्रद्धा है कि सभी लोग इनको, इनके समक्ष खड़े होकर आराधना करें और अपने आराध्य को माने। सर, क्योंकि जब आपको भवन निर्माण समिति की जिम्मेदारी दी गई चेयरमैन के तौर पे और आपने डेडलाइन भी पूरा सेट कर रखा था और उसमें इतनी सारे चैलेंजेज आए, जैसे कोविड का चैलेंज तो सबसे बड़ा चैलेंज था, कभी किसी लेवल पे ये दबाव हो रहा था कि यार इतने कम समय में इतने शानदार तरीके से कैसे पूरा होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का भी ये शानदार नमूना है? दबाव तो था, दबाव के लिए मैं यह कहूँगा अवश्य, और ये मेरे व्यवहार में कमी होगी अगर मैं यहाँ आपके समक्ष यह बात जानकारी के रूप में और अदरवाइज भी ना बताऊं कि जो टीम है, जो लार्सन एंड टूब्रो की टीम है, जो टाटा कंसल्टेंट ऑफ इंजीनियर्स की टीम है और जो अन्य लोग इसके साथ जुड़े, उन्होंने बड़ा कार्य किया है। ये आज जिस स्थिति में है, इसके लिए मैं उन सबको साधुवाद देना चाहूँगा कि उनके कार्य से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे पूरी आशा है कि उनके सहयोग से हम 30 दिसंबर 2024 में ये पूरा परकोटा, ये मंदिर, जो 7 अन्य मंदिर बनने हैं जिनको हम सोशल हार्मनी का प्रतीक समझते हैं, ये सभी चीज़ें पूर्ण हो सके। आखिर में एक सवाल की, और सवाल नहीं, वो संदेश के तौर पे मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं आपको ऐसे नौकरशाह के तौर पे जानता हूँ जिस पे कोई राजनीतिक रंग नहीं चढ़ा, ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकार और कर्तव्य और दायित्व इन सब चीज़ों को लोग बखूबी समझते रहे, एक राम भक्त के तौर पर जानता हूँ, उस रूप में पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा मुश्किल है मैं इस स्तर का अभी व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी प्रकार का संदेश दे सकूँ, लेकिन केवल यह शायद उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपके जो भी आराध्य हों, आप यदि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं तो आप निश्चित माने हम सभी उसी स्थान पे और ऐसे ही सुपर पावर की आराधना करेंगे, फिर कहीं विवाद का स्थान नहीं होगा। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और 22 जनवरी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।